What Bible Hub teaches us, only bad because good doesn't matter. हम सिर्फ बुराई की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि अच्छा बस ऐसी फालतू में हमें बेवकूफ बनाने के लिए है. एंड बैड कोट्स आर द थिंग्स दैट हैज शेप्ड अवर वर्ल्ड. इसलिए हम बैड वर्सेस को ही दिखाएंगे और बात करेंगे. और ये जो हम ट्रिक है, ये जो हमारे चैनल चलते रहते हैं एडम टाइप एडम से करके, तो उसी उसी के हम फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अच्छी चीजें नहीं दिखा रहे, हमें बुरी चीज ही दिखानी है. कहने को हम मतलब आप लोग अच्छी चीजें भी लेके आ सकते हो, लेकिन हम उसके काउंटर में आपको एक बुरी चीजें भी दिखा सकते हैं. तो ये वहीं से आ रहा है हमारा भी. जी हाँ, तो चालू करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट से. न्यू टेस्टामेंट एडम की सबसे बड़ी कमजोरी ओल्ड टेस्टामेंट. नहीं नहीं यार, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं जानते ना यार, क्या डाले हो यार. हाँ भाई, सही सही भाई, सही यूज किया. ये पिका से काफी बढ़िया चीज है. ओके, तो पिका हम चालू करते हैं पहला कि हाँ नेक्स्ट स्लाइड. चलो यार, टिटू जी पढ़ेंगे. पढ़ने से पहले फोटो देख के हेलो भैया बोलता हूँ मैं तो. And to the woman he said, I greatly multiply thy sorrow and thy conceptions. In sorrow thou shalt bring forth children, and their desire shall be thy husband, and she shall rule over thee. Chali. वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद. थोड़ा शेक्सपियर पढ़ा नहीं है आपने ठीक से. नहीं पढ़े. आप पढ़ दीजिए ठीक से. अरे हम कौन सा एक्सपर्ट है, हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे या भस्मासुर जी से पढ़ाएंगे या पीका से पढ़ाएंगे. ठीक है, आज सब शेक्सपियरियन लैंग्वेज पढ़ेंगे. शेक्सपियरियन लैंग्वेज पढ़ेंगे आज. हाँ, तो इसका मतलब बता दो एक बार लोगों को कि क्या मतलब है. अभी एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, इज यीशु गॉड, इज जीसस क्राइस्ट गॉड? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूँ भाई, मैं बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ, इज जीसस गॉड? आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं. पर मैंने किसी गॉड को पानी में चलते हुए नहीं देखा अभी तक. जीसस तो गॉड के वो हो जाएंगे ना, बेटे है ना, वो तो सन है, वो इज सन ऑफ द गॉड. ऐसा है क्या? तो ट्रिनिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? ट्रिनिटी का मतलब है मैं ही बाप हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, और मैं खुद मैं हूँ. तीनों मैं हूँ, मैं जब चाहूँ मैं खुद में कन्वर्ट हो सकता हूँ. मैं एकदम तो वैसा हूँ, मैं कुछ इस लॉजिक से हमारे जीसस भी तो है भगवान ही. टीटू जी क्या बोलते हैं, मेरे लॉजिक है कि नहीं है? यीशु भगवान है ना? जैसे चूल्हा में लगा आग, मोमबत्ती में लगा आग, और घर में लगा आग, आग तो एक ही है. ओके, तो बेसिकली अगर ऐसा ट्रिनिटी का कहा जाए ना, ट्रिनिटी का मतलब तीन हो गया, एंटिटी तीन है. ठीक है, वो तीनों जब चाहे लॉजिक के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट बन सकते हैं, वो सेम बन सकती है. बस ये कि लॉजिक क्या चल रहा है. बेसिकली ट्रिनिटी का मतलब यही होता है. ट्रिनिटी पे एक बार अलग स्ट्रीम हम करेंगे और ट्रिनिटी को बताएंगे कितना है, 1, 2, 1, 2, 3, 4 क्या है वो. अभी जैसा कंक्लूजन निकला है, यीशु इज गॉड, एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, एंड दैट यीशु, दैट गॉड, ही सेड ऑन टू द वुमन, ही सेड, जीसस टॉक टू वुमन एंड ही सेड, आई विल ग्रेटली मल्टीप्लाई दाई सोरो. तो वो मतलब गॉड बोल रहा है कि मैं आपको सोरो को पढ़ाऊंगा, ऐसा क्यों? हाँ, मल्टीप्लाई करूंगा. एंड दाई कंसेप्शन, इन सोरो दाउ शैल ब्रिंग फोर्थ चिल्ड्रन, बच्चे को लाओगी, पीड़ा में लाना पड़ेगा. एंड दाई डिजायर शैल बाय दाई हस्बैंड एंड ही शैल रूल ओवर दी. बाइबल गिव्स अ लीगल राइट अ हस्बैंड ओवर हिज वाइफ. तो हाँ, ये तो बोल दिया ना, ही शैल रूल ओवर यू, सिंपल सा बोल दिया. Exactly. कि भाई आपका हस्बैंड ही आपके ऊपर रूल करने वाला है. तो नहीं यार, तो समझे नहीं यार,
नहीं यार तुम समझे नहीं यार, तभी तो जीजस के पापा फेमिनिज्म नहीं आ रही है अभी थे। अरे बाहर देखो। आप सुने नहीं, बस मसूर, तभी तो जीजस के पापा नहीं थे, ताकि वो डूल उड़ानी चाहती ओ थी मोरी मैया। आप सोचिए वो जो कहता है खेती वाला, और उस इसको दोनों को मैच कीजिए। हाँ खेती एकदम वाला सही। मालूम है ना। हाँ, औरत मर्द की खेती होती है ना, जो हमारे सही सही मोमेंट्स को काटने के लिए जो यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वुमेन इज अ मैन स्लेव। वहां पे आप गलत हो ना, यहाँ पे वो खेती बात नहीं है। तो है, उन्होंने पता है बात तो सेम टू सेम की है, बट जो थोड़ा क्रिश्चियन लैंग्वेज थोड़ी ठीक कर दी है, बाकी बात तो सेम टू सेम ही कर रहे हैं दोनों के दोनों, मीनिंग एक ही है दोनों का, जी कि हाँ, वो अभी तुम्हारी खेती है। अरे वो अभी डेजर्ट वाले सामने थे, उन सबको ठीक से नहीं लिखना आता पड़ता था, ये लोग थोड़ा इंक पेन बड़े मजबूत थे तो इन्होंने लिख दिया, दोष मत दो। अरे आप गलत समझ रहे हो यार, वो खेती नहीं है, ये एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? खेती और फार्मिंग अंतर नहीं पता आपको? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पीका क्या बोलते हो? ये तो आपने पहली वाली में धो दिया, मतलब पूरे तरीके से। पहले एक अभी तो स्टार्टिंग किया, उसके अंदर ही आपने ये सब कुछ निकाल दिया पूरा का चलो बस मासूर जी आप पढ़ लो अब इसको। हाँ पूरा। ये है डिट्रोनॉमी 22, 23, 24। तो इफ ए डैम हाँ सेल दैट बराबर। इज वर्जिन बी बिथ्रोड, क्या क्या है भाई ये? पिका क्या कितना समझा तू? तेज। माँ कसम भाई क्या है? ये है कि इफ अ डैमजल दैट इज अ वर्जिन, टर्म यूज देखिएगा, वर्जिन होनी चाहिए, डैमजल एक औरत, बी बिथोन्ड ऑन टू एन हस्बैंड एंड अ माइंड मैन फाइंड हर इन अ सिटी एंड लाई विथ हर। यहाँ लाई विथ हर का मतलब है ही रेप्स हर। अगर कोई आदमी एक औरत को पकड़ता है जो एक वर्जिन है और एक किसी उसकी शादी होने वाली है, और उसको रेप करता है, और उन दोनों को सिटी के शहर के द्वार के पास लाना चाहिए और उनको पत्थरों से मारना चाहिए, मार मार के मार देना चाहिए। विक्टिम का क्या हुआ? वाह, बाइबल राइट्स ना, विक्टिम क्या हुआ, विक्टिम भी हाँ मर गई। क्यों मारा गया? क्योंकि वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, शहर के अंदर थी, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, इसलिए उसको मारा गया है। और आदमी को तो मारा है क्योंकि उसने अपनी नेबर की वाइफ के साथ टपाटप कर दिया, रेप कर दिया। अच्छा, अगर किसी ने अगर मुंह पे कपड़ा वगैरह डाल दिया तो भी मार देना चाहिए, क्योंकि मार देना ये अगर चाहिए, अंदर अंदर हुआ है शहर के। मार देना एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, ये डिट्रोनॉमी जो थी, डिट्रोनॉमी वो जीजस से पहले थी कि बाद में थी? ये ओल्ड टेस्टामेंट है, नहीं, जीजस जीजस से। के पहले थी ना, हाँ, जीजस से पहले बाद एक में। ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये तो अभी पक्का पता चल गया ना कि लाइक अगर वो विक्टिम है तो गई, बाइबल उसको हाँ, कोई ये नहीं देता है, ठीक है? इससे ये तो कंफर्म नाउ, हो गया। हाँ नाउ, इसी इसी चैप्टर के जो वर्सेस 25 एंड 26 है, उसमें एक नॉन वर्जिन के बारे में बताया गया है। और उस वहां पे जैसे एपोलॉजिस्ट लोग हैं, वो डिफेंस कैसे डिफेंड कैसे करते हैं ना, तो वो 25 26 में दिखाया गया है कि वो वर्जिन औरत नहीं है, और उसका जो रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो एक फील्ड एरिया में हो रहा है, फील्ड में, खुले खेती में हो रहा है। वहां पे उस सिर्फ आदमी को मारा जाएगा, उस औरत को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि अगर वो खेती में चिल्लाती भी है तो वहां तो कोई है नहीं देखने वाला। ये है आर्गुमेंट जो दिया जाएगा आपको, यहाँ पे वर्जिन है, शहर में है, चिल्लाई चिल्लाई क्यों नहीं, और वहां पे ये आर्गुमेंट रहता है उनका, यही इसी चैप्टर के वर्सेस 25 26 में वो चीज लिखी हुई है। ओके, ये तो वोमेन के कंडीशन के बारे में थोड़ा पिक्टोरियल पेंटिंग है। हा, अरे ये और न्यू टेस्टमेंट आ हमारा गया पुराना यार, न्यू टेस्टमेंट, अरे न्यू ये टेस्टमेंट यार का। आ गया आ गया।
चलो यार डायरेक्टली कूद चढ़ते हैं। पिका एंटर। अब पिका तू पढ़ेगा अभी। तो वन मैं पढ़ूंगा ना, कोरिंथियंस। तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। अरे रुकना, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 32 to 35। एंड द स्पिरिट ऑफ द प्रॉफिट और सब्जेक्ट टू प्रॉफिट्स। ओके अब समझाओ भाई। ये समझना है क्या कि औरतों को चर्च में चुपचाप बैठना है। फॉर इट इज नॉट परमिटेड ऑन टू देम टू स्पीक एंड बाय हुज अथॉरिटी? बाय द अथॉरिटी ऑफ गॉड, हु इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। ही हैज कमांडेड वुमेन टू शट द फक अप इन द चर्च एंड नॉट टू स्पीक, फॉर दे आर कमांडेड टू बी अंडर ओबीडियंस एज सेड बाय द लॉ। कानून बोलता है उनको चुप रहने के लिए, ओबीडियंस में रहने के लिए। सर द मोस्ट लाइक इसको काफी बार यूज किया है औरतों को चुप कराने के लिए। 1 Timothy 2:12। बट आई सफर नॉट अ वुमेन टू टीच नॉट टू अनसर्व अथॉरिटी ओवर द मैन बट टू बी इन साइलेंस। इस वर्ड को, इस कोटेशन को, वर्ड्स को औरत कभी अथॉरिटी में ना आए या औरत को नीचा दिखाने के लिए इस कोट का बार बार यूज किया गया ये है। आपको मालूम है यहाँ पे सफर या जो है वो किस चीज के लिए कनेक्ट है? आपको मालूम है वोटिंग राइट्स को क्या बोलते हैं? वही सर आपने जो बोला सफरेज। यस सफरेज। सेवरेज सो यहाँ पे ये सफर जो है ना यहाँ पे होता है मत। बट आई सफर नॉट अ वुमेन टू टीच, मतलब मेरा मत है कि औरतें पढ़ा नहीं सकती। नॉट टू यूसर्प अथॉरिटी ओवर द मैन, ना ही आदमी से ऊपर अथॉरिटी रख सकती है। बट टू बी इन साइलेंस, जीजू से ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। सबसे बुरा है हिंदू धर्म, कास्टिज्म होता है। कम ऑन ब्रदर, कम ऑन ब्रदर, हैव यू सीन द गॉड्स? कम ऑन ब्रदर, हैव यू सीन काली माता? दे वर्शिप द डेविल्स, यू वर्शिप द डेविल्स। क्या बात कर रहे हो? वहां तो अबे चूत चलो मरी के, नहीं नहीं, वही बोल रहा हूं, अबे चूत मरी के, एटलीस्ट वी आर वर्शिपिंग अ फीमेल फॉर्म। वी आर नॉट होल्डिंग आस्किंग द इवन बैन। फीमेल्स टू शट अप, राइट? इट्स नॉट राइट सर, गॉड्स एग्जैक्टली विल, राइट। इट्स नॉट गॉड्स विल दैट वुमेन नीड टू बी शट अप। इट्स नॉट गॉड्स सफरेज, इट्स नॉट गॉड्स ओपिनियन इन हिंदुइज्म दैट वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज फील्ड्स। दे शुड शट अप, दे शुड नॉट हैव एनी अथॉरिटी और पावर ओवर मैन। तो ये फर्क है तुम में और हम में, समझे बच्चे? Where there is a man, there no woman should teach or have authority, said by Martin Luther King. स्लाइड्स उधर खत्म हो गई। पिका वो एक वीडियो देना टिकटॉक वाली, वो जरा प्ले कर दो। अराउंड 1650 years अगो, अ वुमन लिविंग इन एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट वॉज ए ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर एंड टीचर। शी वॉज मर्डर्ड बाई क्रिश्चियंस। Now play it up. इसकी तो स्पेनिश मूवी है, वो भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। बेसिकली क्रिश्चियन डिडंट वांटेड साइंस टू फ्लरिश आउट देयर, हाँ, और और ये कृष्ण उल्ट। डार के जिसको हम कहते हैं, बेसिकली चालू ही यही बात को लेकर हुआ कि जो क्रिश्चियन जो सेंट्स की आर्मी थी, जा जा के जितने यूनिवर्सिटी में अदर फेथ वाले भी थे और जो मतलब साइंस वाले भी थे, उन सबको टारगेट कर करके तबाह कर रहे थे। और उन्होंने जो भी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन सब थे, उन सभी को नष्ट कर दिया। अलेक्जेंड्रिया भले जल चुका था, पर उसके अलावा भी पूरे एम्पायर में जगह जगह कई कई यूनिवर्सिटीज मौजूद थे, पर चर्च एक एक करके उनको टारगेट करते गए। पहले ज्यूइश सबको अरे सबको निकाला, फिर जाके घेर घेर के इन्होंने जो भी उसे कंसिडर
काउंटर करने के लिए उठता, उन्हें तबाह करते चला गया। वोमेन वाले में आज इतना ही करते हैं, और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 अगर होगा तो हम बनाएंगे उस पर।